Hello friends, welcome to shuklaclasses. I am Anubhav. Seventh lecture on the basic of electronics. Today's topic is difference between latch and flip-flop. Aur flip-flop ke bare mein dekhna chahte hain, I button pe zarur click kare. Hindi aur English mein hoga to chaliye shuru karte hain. Let's begin. Agar aap self study karna chahte hain hamare channel pe to apne mobile phone aur laptop ki awaaz ko band kar sakte hain. Thank you. Iska reason kya hai ki hamare content based video ko pad sakte hain. Difference between latch and flip. तो पहले सबसे पहले क्या है कि हम लैच क्या होता है ये समझते हैं. लैच जो है वो एक बिट एबल मल्टी वाइब्रेटर के समान होता है, अर्थात ऐसी डिवाइस जिसको दो अस्थाई अवस्था यानी कि स्टेबल स्टेट्स होती हैं. ये स्टेट्स जो है वो हाई आउटपुट तथा लो आउटपुट होती हैं. लैच में एक फीडबैक पाथ होता है, इसलिए इसमें सूचनाएं स्टोर की जा सकती है. अतः लैच एक मेमोरी डिवाइस हो सकती है तथा यह डेटा का एक बिट तब तक स्टोर कर सकती है जब तक इसे पावर मिलती है. जैसे कि शब्द लैच से स्पष्ट होता है, लैच सूचना को लैच ऑनटो द होल्ड कर सकता है. लैच वैसे तो जो है वो फ्लिप फ्लॉप के समान ही है, परंतु सिंक्रोनस डिवाइस नहीं है तथा फ्लिप फ्लॉप की भांति जो क्लॉक का एज पर ऑपरेट नहीं होते. फ्लिप फ्लॉप जो है वो लैच के समान ही एक बाई स्टेबल डिवाइस है. इसमें भी एक बिट स्टोर करने के लिए एक फीडबैक पथ होता है यानी कि पाथ होता है. फ्लिप फ्लॉप एक सिंक्रोनस डिवाइस है जबकि लैच जो है वो एक असिंक्रोनस डिवाइस है. फ्लिप फ्लॉप एक एज ट्रिगर्ड डिवाइस है, या अपनी स्टेट तब बदलता है जब कंट्रोल सिग्नल हाई से लो अथवा लो से हाई होता है, जबकि लैच में इनपुट परिवर्तित होते ही आउटपुट परिवर्तित हो जाता है. जिस प्रकार से ट्रांजिस्टर को प्रयुक्त कर गेट्स यानी कि गेट्स के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, आई बटन पर ज़रूर क्लिक करें. उसमें हमने सारे लॉजिक गेट्स उनके टाइप्स के बारे में डिफाइन किया है, बनाए जाते हैं. उसी प्रकार गेट्स प्रयुक्त कर लैच बनाए जा सकते हैं तथा लैच प्रयुक्त कर फ्लिप फ्लॉप बनाए जा सकते हैं. लैच का यूज़ करके हम फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं, गेट्स का यूज़ करके लैच बना सकते हैं. तो अधिकांश लोग जो हैं वो फ्लिप फ्लॉप तथा लैच को एक ही समान मानते हैं, परंतु इनके मध्य में अंतर जो ऊपर दिया गया है जो भी सभी के लिए लाभदायक होगा. तो आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा फ्लिप फ्लॉप और लैच के बीच के डिफरेंस को समझने में एक सिंपल लैंग्वेज में. पसंद आए तो इसे लाइक करें, आपके एक लाइक से हमें उत्साह मिलता है कि आगे ऐसे और वीडियो की डिमांड है मार्केट में. शेयर करें मेरे दोस्तों के साथ, कमेंट करें कुछ भी समझ में ना आया हो, और सब्सक्राइब करें, हिट करें बेल आइकन को हमेशा अपडेट रहने के लिए.